हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाइल्ड होम। वाइल्ड होम में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब अब तक तो जान ही गए होंगे, यही है मेरा रेम्बो। तो आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, वो टॉपिक जनरली जितने भी पेट ऑनर हैं उनको ये अवेयर रहना चाहिए इस बारे में। क्या है कि रेम्बो को कुछ दिन पहले स्किन इन्फेक्शन हो गया था, अभी भी थोड़ा थोड़ा छूटने ही वाला है, बस खत्म होने वाला है। ये जो आपके सामने जो पूरा आप देख रहे हैं ये टैबलेट वगैरह, ये इसके लिए मेडिसिन जो था हमने वेट से दिखा के ये लाया था, वेट ने ये प्रिस्क्राइब किया हुआ था। तो ये आपके सामने पड़ा हुआ है, इतना सारा टैबलेट रेम्बो को अब तक हमने दिया, ये पूरा कोर्स चला है। तो सबसे पहले तो आपको हम बता दें कि आखिर रेम्बो को हुआ क्या था कि इतना सारा ये मेडिसिन जो है ये देना पड़ा रेम्बो को। तो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये इसके थाई के पास और ये इसके घुटनों पे, फिर पैर के टखनों पे इस तरह का कुछ एलर्जिक हो गया था। जो हमने वेट से दिखाया था उन्होंने कहा कि ये फंगल और बैक्टीरियल जो है इन्फेक्शन है। बेसिकली इसको मेडिकल भाषा में हम डर्माटाइटिस कहते हैं, यानी कि इन्फेक्शन इन स्किन। वो बेसिकली वैसा ही जैसे कि हम ह्यूमन को होता है स्किन इन्फेक्शन, तो ठीक वैसे ही था, रेम्बो को हो गया था। वहाँ हल्का हल्का इसका जो बाल था वो हल्का हल्का अब कम पड़ने लगा था, बाल का जो डेंसिटी वहाँ रहता है इसके शरीर पे, वहाँ पे जो स्पेशल जहाँ हुआ था वहाँ पे बाल का डेंसिटी जो था वो धीरे धीरे अब कम होने लगा था। तो हमने इसको सही टाइम पे वेट के पास हमने इसे ले गया, हम इसे ले गया सॉरी, और इसको हमने दिखाया तो वेट ने ये मेडिसिन रिकमेंड किया है, प्रेस्क्राइब किया है। तो अभी आपसे हम ये शेयर करें इसलिए कि कई लोग होता है कि रिमोट एरियाज में रहते हैं, उनके पास भी पेट है, या फिर ऐसी परिस्थिति आती है कि हम कुछ बिजी शेड्यूल रहता है तो वेट के पास हम नहीं ले जा पाते हैं। तो ये नहीं कह रहे हम कि ये सामने जो मेडिसिन हम बता रहे हैं वो आप तुरंत से चला दीजिए, जरूर वेट से अपने मिलिए और उनसे पूछिए कि आपके डॉक्टर को क्या दिक्कत है और इसमें कौन सी मेडिसिन चलाई जा सकती है। लेकिन ये फिलहाल फर्स्ट एड इसे नहीं कहेंगे, लेकिन शुरुआत में आप चाहे तो अगर इस तरह की कंडीशन आपके पेट की है तो आप ये दवाई जरूर चला सकते हैं। हालांकि ये जरूर कहेंगे कि पेट से जरूर आप मिलिए। तो अब चलिए वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसके लिए हम आपको तुरंत से क्या दवाई रेम्बो को चला हुआ हम बता देते हैं। तो बेसिकली दवाई में क्या है कि बस दो तरह की दवाइयां हैं। एक दवाई है जैसे कि आपके सामने ये दिख रहा होगा, ये है इट्राकोनाजोल। जैसे कि हम लोगों को चलता है, हम ह्यूमन को चलता है फ्लूकोनाजोल, तो सेम उसी तरह का ये भी है इट्राकोनाजोल है, ये दवाई रेम्बो को चला। और एक दूसरा टैबलेट चला वो ये जो टैबलेट है ये तो हमने आपके सामने जो पढ़ा ये तो हमें जब ये वाला वेटनरी में नहीं मिला तो हमने जाके ये वाला दवाई लाया, ये वाला ये प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से हमने ये खरीदा। इसके बारे में बताएंगे हम कि आपको ज्यादा खर्च भी ना करना पड़े और सही से दवाई मिल जाए। ये है ओरिजिनल जो वेट ने प्रिस्क्राइब किया था, ये आपको सामने दिख रहा है, ये वेटकोनाजोल है और ये सेफालेक्सिन टैबलेट है। बेसिकली इसको लैक्सिन टैबलेट कहते हैं, भिवड़ेक का ये है सेफालेक्सिन टैबलेट, 600 mg का है ये। जैसे कि इसके बारे में पूरा आप समझ लेते हैं, रेम्बो चलो सामने देखो तुम पैर दोनों आगे करूंगा और आगे से देखो व्यूअर को भी तुम्हें समझाना है कि क्या हुआ था। तो ठीक है व्यूअर की तरफ तुम भी देखो। हाँ देखिए ये सेफालेक्सिन टैबलेट है 600 mg का, तो ये हमने लिया हुआ था। इसकी प्राइस आपको बता दें तो 266 rupees है और ये डेली का सिंगल टैबलेट देना है, इसे आप कभी भी दे सकते हैं। ये इसमें आपको एक पर्ची भी मिलेगी पढ़ने के लिए, ये वाली पर्ची है। तो पूरा डिटेल में पर्ची भी नहीं पढ़ेंगे हम क्योंकि टाइम ज्यादा लगेगा, वीडियो भी ज्यादा लंबा होगा। तो आपको हम इन शॉर्ट में समझा दे रहे हैं कि ये आप सेफालेक्सिन टैबलेट जो है ये बेसिकली लैक्सिन एक अम्ब्रेला टर्म मेडिकल में आता है, उसके थ्रू ये लैक्सिन टैबलेट आता है। चलो सामने देखो तुम, तो ये सेफालेक्सिन टैबलेट है और ये दूसरा है ये वेटकोनाजोल ब्रांड के तहत आता है। ये बेसिकली कंपोजिशन इसका है इट्राकोनाजोल
और ये 200 मिलीग्राम का है। तो ये दिन में ये दो टैबलेट देना होता है, और ये जो लैक्सिन टैबलेट है ये दिन में एक देना होता है, क्योंकि ये 600 मिलीग्राम का है। अब बराबर बात की इतने सारे तो ये रहा, इतना सारा टैबलेट आपके सामने इसलिए पड़ा है क्योंकि इसको जिस तरह की इन्फेक्शन हुई थी उसमें भेट ने पूरे 3 सप्ताह तक की मेडिसिन जो थी वो उन्होंने कहा था कि 3 सप्ताह तक आपको इसे चलाना है। तो शुरुआत में ये जो है ये करीबन आपको इसमें 10 कैप्सूल मिलेंगे, तो वही लगभग 1 सप्ताह के करीब हुआ और 3 दिन और बचा। और इसमें जो है ये सेफलेक्सिन टैबलेट जैसे कि आप ये देख रहे हैं यही है, तो ये केवल 7 ही कैप्सूल इसमें मिला था, तो ये 1 सप्ताह में खत्म हो गया। तो अब बाकी जो था मेरे एरिया में यही तो है, ज्यादा प्यार करने पर देखिए रेमबो क्या हमेशा गोद में चढ़ के बैठेगा। चलो ठीक है, अब जल्दी से वीडियो खत्म कर लेते हैं फिर तुमको थोड़ा सा और ट्रीट करेंगे। चलो तो ये रहा, इतना सारा टैबलेट इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि ये काफी महंगा पड़ा, तो हमने सोचा कि चलो इसका थोड़ा अदर ब्रांड देखते हैं कि थोड़ा सस्ता कौन सा पड़े। तो ये हमें सेम कंपोजिशन है, ये जन औषधि केंद्र में मिला है, इट्राकनाजोल कैप्सूल 200 mg का है, ये भेटकनाजोल। ये आपको बता दें कि करीब ये 300 रुपए की 10 टैबलेट है, 30 रुपए टैबलेट पड़ी, और ये टैबलेट हमें पड़ी 35 रुपए में 4, तो आप जोड़ सकते हैं ये 8 रुपए के करीब में 1 कैप्सूल पड़ा और ये हमें 30 रुपए में पड़ा। तो ये अपना मैथमेटिक्स से आप कैलकुलेट कर सकते हैं और किस तरह से हमने कम रुपए में रेमबो को पूरा जो डोज था उसको दिया। और दूसरे में ये है एस्पोरिडेक्स ब्रांड है, ये सन फार्मा का है, तो ये भी काफी सस्ती में पड़ जाएगी इसके लिए आज। ये वाला जो आप वेटरनरी में अगर ये लैक्सिन बेवरेक का सेफलेक्सिन खरीदते हैं तो ये 500 मिलीग्राम का है, ह्यूमन वाला टैबलेट है, कैप्सूल है, तो ये भी सस्ता में पड़ गया। करीब इसकी प्राइस तो अभी फिलहाल आज के करेंट डेट में 210 रुपए है, और ये पड़ा है हमको करीब 20% डिस्काउंट इसमें मिला तो ले देखे 168 के करीब करीब में शायद ये पड़ा है। तो इस तरह से 16 रुपए करीब में ये टैबलेट पड़ गया, और वैसे ये पड़ता हमको 30-35 रुपए के करीब में ये वाला टैबलेट, तो इसका हमने अदर ऑप्शन देखा तो 16 रुपए में ये पड़ गया, और ये वाला जो टैबलेट हमको 30 रुपए में पड़ रहा था ये 8 रुपए में पड़ गया। तो बाकी 2 सप्ताह हमने यही टैबलेट चलाया। अभी देखिए इसमें करीब कितना अभी है, वही बस 1, 2, 3, 4 पत्ता इसमें है, तो तकरीबन कुछ 1 सप्ताह और कुछ दिन के लिए बचा हुआ है रेमबो का कोर्स, तो वो भी खत्म हो जाएगा कुछ दिन में। और फिलहाल अब समय है कि दिखाते हैं कि स्क्रीन पे आप देखिए कि पहले का ये कंडीशन था जब इसका इन्फेक्शन शुरुआती स्टेज में था, और अभी का ये कंडीशन है। रेमबो जरा दिखाओ तो व्यूअर्स को, ये वाला जो है मुझे भी नहीं मालूम पड़ रहा है कि कहाँ हुआ था, पूरा खत्म हो गया। आप बगल के पिक्चर में देख सकते हैं कि कैसे दिख रहा है, और अभी समझ ही नहीं रहा है कि कहीं से हुआ था। तो कुल मिला के इसका रिजल्ट इस कैप्सूल का, इस मेडिसिन का बड़ा अच्छा रहा है। तो सर आप भी अगर आपके पेट को भी अगर इस तरह की कोई इन्फेक्शन है जिससे कि रेमबो को हुआ था, तो आप ये मेडिसिन चला सकते हैं, पर भेट से जरूर आप मिल के ही आप बताएं कि ये टैबलेट वाइल्ड होम के हैं, उनके उन्होंने अपने डॉगी को चलाया था, तो क्या आप अपने डॉगी को चला सकते हैं कि नहीं, इतना बस कंसल्ट कर लीजिए। बाकी इसमें हमने भी भेट से कंसल्ट किया है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सेम कंडीशन आपके पेट की है तो आप निसंदेह चलाइए, और आगे से वीडियो में जरूर बताइए कि क्या आपके डॉगी को और कोई इन्फेक्शन है, क्या कुछ है, तो हम कोशिश करेंगे कि जरूर उस पर कुछ वीडियो डालें। वैसे तो अपना एक्सपीरियंस हम आपसे जरूर शेयर करते रहते हैं, अभी फिलहाल हमने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। आप भी जरूर कुछ कमेंट में बताइए कि क्या आपके पेट को क्या दिक्कत है, किस तरह का वीडियो आप इस पे देखना चाहते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।